800 किसानों की अफीम के परीक्षण का रिजल्ट जारी। काश्तकारों ने परिणामों पर जताया संतोष। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। इन दिनों केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो काश्तकारों की अफीम का तोल कर रहा है, जिनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम के बाद अब चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व यूपी के बाराबंकी के किसानों की अफीम का तोल किया जा रहा है। विभाग इस तोल के बाद अफीम की गाढ़ता का रिजल्ट भी वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड कर रहा है। वहीं CPS पद्धति के किसानों के डोडो का तोल भी केंद्रों पर किया जा रहा है। MP व राजस्थान के साथ UP के अफीम काश्तकारों ने अफीम की गाढ़ता के प्रतिशत का तत्काल मिल रहा रिजल्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसानों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। गाढ़ता का रिजल्ट ऑनलाइन अपडेट किए जाने से वे अधिकारी भी चौंक गए हैं, जो किसानों को लूटने का काम करते थे। आंकड़ा सामने आने के बाद पूरी स्थिति खुद ही स्पष्ट हो रही है। नीमच में 1 अप्रैल से काश्तकारों की अफीम का कनावटी रोड के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित होटल आम्रपाली रिसोर्ट में तोल किया गया। इस वर्ष अफीम एवं शारुद कारखाना ने किसानों की अफीम की गाढ़ता परीक्षण का परिणाम स्पष्ट करने के लिए नई तकनीकी अपनाई है। इस तकनीकी से किसान भी स्वयं अपनी अफीम की गाढ़ता की स्थिति का पता कर सकते हैं। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।